आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो है दोपहर के 1:30 बजने वाला है। मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। और वो पड़ा है ध्रुव, उधर बैठा है पीयूष। चल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, इनका बच्चों का किसी का मन नहीं कर रहा मेरे को भेजने का। और नव्या तो रोने भी लग गई है, नव्या को नीचे बिठा के आए हैं। उधर मेरी सिस्टर जो तैयार हो रही है अभी, वो मुझे यहाँ तक छोड़ने जाएगी थोड़ी दूर बस स्टैंड तक। और यहाँ से फिर आगे पापा जो है, जब मैं डेरा बस से पहुँच जाऊँगी, पापा मेरे को लेने आएंगे। और पतिदेव को गए हुए हो गए हैं 6 दिन। आज वो गए हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर वो जाएंगे केदारनाथ। और मे बी 10-11वें दिन वो वापस आ जाएं। बाकी हमें कुछ ज़्यादा अपडेट मिल नहीं पाती उनके रिगार्डिंग। और ये ब्लॉग मैंने यहाँ से शुरू कर लिया है, अब देखते हैं कैसे कैसे ये ब्लॉग चलता जाएगा। और पैकिंग भी मेरी उधर, वो मेरा बैग पड़ा है हो चुकी है। ध्रुव चलोगे मेरे साथ? ध्रुव का मन है बट इसका स्कूल लगने वाला है। पीयूष नहीं, पीयूष नहीं जाएगा, मेरे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये अब थोड़े दिनों में आएंगे, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो गाइस। हेलो, कहाँ आए हो आप? पिज़्ज़ा खाने। ये कौन है? ये कौन है? मेरी हस्बैंड। हड बम इधर आए हैं हम फूड स्टार में पिज़्ज़ा खाने। अभी कितने बज रहे हैं टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं निकल रही हूँ घर को और 2:12 हो चुके हैं। और ये मेरे फ़ोन का वॉलपेपर है, मेरे दादाजी की फ़ोटो। तो ये बैठी है अभी पिज़्ज़ा की वेट में, बैठी हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी, हम जाएंगे सीधा घर और फिर मैं जाऊँगी अपने घर। इतने दिन तक भी आ चुका है हमारा पिज़्ज़ा। ले है नहीं, मैंने कर हेलो, मैं आ चुकी थी अपने सिस्टर के घर से, मतलब 4 बज रहे हैं अभी, तो नहीं अभी 5 बज रहे हैं। मैं 3:30 बजे निकली थी, 4-4:30 के आसपास मैं यहाँ पहुँच गई थी। अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और रूम का हाल मेरे का कुछ ये है कि मैंने कपड़े वगैरह पैकिंग से निकाल दिए थे, ये वो कपड़े हैं जो उसने मेरे को दिए हैं। और इधर हमारे रूम का हाल ये है। अभी मम्मी तो घर पे हैं नहीं, तो शाम तक आ जाएंगे 6:30 बजे तक। और इधर बैठे हैं, इधर दीदी बैठे हैं, वो पड़े हैं आराम से, दुकान के अंदर ही पड़े रहते हैं। काफ़ी दिन बाद ये मेरे ब्लॉग में दिखे हैं। और मैं बाहर यहाँ दुकान का हाल दिखा रही थी, दुकान में हमारे सामान काफ़ी पड़ा है अभी, अब ये खाली नहीं होगी। और अभी बाहर का दिखाती हूँ आपको एक बार। तो कल वाला ब्लॉग जो मैं अभी वो कंटिन्यू कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए ये हमारी दुकान में आ गया था डॉग छोटू सा बिहारा, क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। और यहाँ पे गली में सिर्फ एक दो बच्चा रहेगा, बाकी सारी गली खाली पड़ी है। फ्रंट बैक देखिए, यहाँ पे हो रही है ज़बरदस्त बारिश। और आज है 29, बच्चे खेल रहे हैं। हेलो सोनिया, अरे ये गुड़िया बहुत ही प्यारी लगती है। हेलो, क्या खाओगे? भाभी जी क्या खाओगे बेटू? मुझको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये खाओगे? तो ये यही टॉफी लेती है बस। रुक जा, बारिश में क्यों घूम रहा है काकू? पानी नहा रही है बारिश में, नहाते नहीं अंदर बैठ जाए। तो आज ईद थी, आज सुबह मस्जिद में बहुत ज़्यादा नमाजी जो आ रखे थे नमाज अदा करने, तो सबको ईद मुबारक। और वो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, अभी हल्की हुई है बारिश। मम्मी पापा जो हैं वो घर पे नहीं हैं, मैं अकेली थी, दीदी भी रिश्तेदारी में गए हैं।
और पतिदेव को गए हुए हो गया है एक हफ्ता, पूरे एक हफ्ता हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं। और मेरे लिए डेफिनेटली ये थोड़ा टफ है क्योंकि मैं उनके बिना इतना टाइम कभी पहले रही नहीं हूँ, मतलब शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम इतना दूर दूर रह रहे हैं। और नौवें या दसवें दिन वो शायद आ जाएंगे क्योंकि आज उन्होंने केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो शुरू करी है। और मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा टफ था, मेरे से वो चढ़ाई अभी तो मैं नहीं मानती अपने आप को प्रिपेयर कि हाँ मैं वो चढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मेरा वैष्णो देवी जाते टाइम भी बहुत बुरा हाल हुआ था जब चढ़ाई कर रहे थे और मेरे को बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन हुआ था, इसीलिए मैं नहीं अभी गई। और मे भी मैं अगले साल पक्का जाके आऊँ। और अभी 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 बारिश हो गई है, मैंने बनानी है रोटी मम्मी पापा के लिए 12 बजे, अभी 12 बजने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग की एंडिंग कर लूँ क्योंकि कल मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था बट उसकी एंडिंग नहीं करी थी। और मेरे मुँह में ना बहुत ज़्यादा छाले हो चुके हैं और गला भी ख़राब है, गला मेरा कल से ही ख़राब था बट अभी जो है मैंने दवाई ले ली थी वहाँ पे सिस्टर के घर पे, अभी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अभी लाइट भी चली गई है तो ये तो इन्वर्टर पे है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, अभी तेज हो चुकी है। दीदी गए हैं हमारे जो ताऊ जी की बेटी है उनके पास हुई है बेटी उसको देखने, तो दीदी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे घर एक और गुड़िया आ चुकी है, तो मम्मी का फ़ोन आ चुका है, मम्मी कह रहे हैं कि अभी दुकान बंद कर दूं मैं क्योंकि बारिश बहुत है, तो बारिश में इतना कोई आएगा नहीं, और अगर किसी को कुछ सामान चाहिए होगा भी तो वो डोरबेल खड़का देगा, तो फिर मैं दुकान ओपन कर दूंगी। अभी मैं बनाऊंगी खाना और मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करूँ और होपफुल पतिदेव मेरे जो है वो जल्दी जल्दी घर आ जाए, अच्छे से उनकी यात्रा हो जाए, उसके बाद जो है फिर मैं भी घूमने कहीं निकलूँगी। अभी मैंने एक जगह डिसाइड तो करी है, देखते हैं अभी उसका क्या प्लान बनता है, क्या हमारा आगे रहता है, तो मैं भी इसके बाद थोड़ा और घूमने निकलूँगी। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँ और मैं कल एक नया ब्लॉग शुरू करूँगी, उसमें आपको मैं ना बोलते बोलते आज भूल रही हूँ कुछ, मेरे को याद नहीं रह रहा, तो कल मैं करूँगी एक नया ब्लॉग शुरू। अभी बहुत ज़्यादा बारिश जो हो रही है मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ, एक मिनट देखिएगा कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बारिश देख सकते हैं आप हो रही है। और अभी मैं ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बचपन की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ वो थी ये, इसमें होती है इमली और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, एक ये चीज़ है ये भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये वाली चॉकलेट मेरे को अच्छी लगती है यहाँ पर, बाकी मैं सब कुछ दुकान में जब मौका मिलता है मैं खा लेती हूँ। और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, ब्लॉग में तो नहीं, ब्लॉग तो अभी ख़त्म होने वाला है, ब्लॉग हम कल शुरू करेंगे एक अच्छा सा, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।